हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन की। तो राजस्थान में एक और वंदे भारत ट्रेन चलने जा रही है जो कि 24 सितंबर से चलने जा रही है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा इसका टाइम टेबल क्या रहेगा, इसका किराया क्या रहेगा और ये कहां से कहां के बीच चलेगी। तो यहां पर उदयपुर से जयपुर बीच चलेगी ये ट्रेन और ये राजस्थान की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। और आपको ये भी बता दें ये 8 की बजाय 6 घंटे में पहुँचेगी जयपुर, उदयपुर से जयपुर ये 6 घंटे में पहुँचेगी। इसका किराया की बात करें लगभग इसका किराया 850 से 1800 रुपये तक संभव है। अब बात करते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल की, तो यहाँ पर कितने टाइम पर कहाँ से कहाँ तक ये चलने वाली है, तो ये सब बात करेंगे अब। तो देखिए यहाँ पर इसका टाइम टेबल किस प्रकार से रहेगा। तो उदयपुर से ये चलेगी 7:50 पर और राणा प्रताप ये 7:57 पर पहुँचेगी और इन रेलवे स्टेशनों पर ये 2 से 3 मिनट का ठहराव लेगी। उसके बाद अगला स्टेशन आएगा इसका मालवी, यहाँ पर ये 8:29 पर पहुँचेगी। उसके बाद चंद्रिया यहाँ पर 9:23 पर पहुँचेगी, ठीक है। उसके बाद भीलवाड़ा 9:56 पर, अजमेर 11:40 पर और किशनगढ़ 12:13 पर और जयपुर जंक्शन ये ट्रेन पहुँचेगी 13:50 पर, दोपहर 1 बजे ये 1:50 पर जयपुर जंक्शन और शाम के 4 बजे रवाना होगी ये जयपुर से। और उसके बाद ये 5:05 पर शाम के 17:05 पर ये किशनगढ़ पहुँचेगी। उसके बाद अजमेर पहुँचेगी 5:35 पर और भीलवाड़ा ये ट्रेन पहुँचेगी 7:05 पर और चंद्रिया ये पहुँचेगी 7:50 पर और मालवी ये पहुँचेगी 8:48 पर। राणा प्रताप नगर ये पहुँचेगी 21:37 पर, यानी कि 9:37 पर और ये उदयपुर स्टेशन पर पहुंच जाएगी रात के 10 बजे, यानी कि 22 बजे ये उदयपुर स्टेशन पर पहुंच जाएगी। और ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी, मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलेगी और रेलवे स्टेशनों पर इसका ठहराव 2 मिनट रहेगा। तो गाइज ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो आपको कैसे लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।